नए साल का आगाज हो चुका है। लोग साल 2018 का स्वागत चारों तरफ कर रहे हैं, साथ ही नए साल के मौके पर घरों से बाहर निकलकर पिकनिक करने के साथ ही घूमना भी चाहते हैं। लेकिन पहाड़ों में हो रही बर्फबारी ने लोगों को घर में ही दुब के रहने को मजबूर कर दिया। अहिरवार के ज्यादातर जगहों पर लोग धुंध और ठिठुरन का सितम झेलने को मजबूर है। लोगों की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही है। कड़कड़ाती ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। नववर्ष के पहले ही दिन घने कोहरे और कड़कड़ाती ठंड से जहां लोग रजाइयों में छुपने को मजबूर दिख रहे हैं, वहीं सड़क और रेल यात्रा पर भी इसका प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर विजिबिलिटी जीरो के बराबर होने से दोपहिया और चौपहिया वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। घने कोहरे का रेल यातायात पर भी असर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रेन का पहिया धीमे धीमे रेंगने के बराबर था। वहीं ज्यादातर रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर व प्लेटफॉर्म पर यात्री कंबल और रजाइयां ओढ़कर ठंड से बचते नजर आ रहे हैं। लोग घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं, वहीं आम नागरिकों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। रोजाना पापी पेट के लिए मजदूरी पर निकलने वाले लोगों को भी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। ठिठुरती ठंड के कारण उन्हें मजदूरी भी नहीं मिलने के कारण घर का चूल्हा जलाना भी दुश्वार हो गया। लोगों ने बताया कि पिछले दो महीनों से तापमान में लगातार गिरावट महसूस हो रही थी। शाम ढलते ही घनी धुंध और कोहरा शहर को अपने आगोश में लेने के बाद अचानक ठंड बढ़ जाती है। नववर्ष के आगाज के बाद से ही लोग देर तक रजाइयों में दुबके रहने लगे हैं। वही ठंड में काम पर निकले व्यक्ति का कहना है कि रात से पड़ रही कड़ाके की ठंड ने रेवाड़ी वासियों को पहाड़ी इलाके का असहाय करवा दिया है। हाथ लगा के बैठे हैं, ठंडा है नहीं, सर्दी का काम। दिलीप क्या कहें, कितनी सर्दी पड़ रही है? सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है। आज लगा के बैठे है, काम धंधा है, काम धंधा है नहीं, मजबूरी में घर से बाहर आए हुए है, फिर भी काम काम नहीं मिल रहा है।